हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद श्रद्धा। मेरा नाम है श्रद्धा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, शाम को हम अक्सर चाय के साथ कुछ नमकीन खाना पसंद करते हैं, जो हो स्पाइसी, टेस्टी, क्रिस्पी और थोड़ी सी चटपटी। तो आज मैं उन्हीं में से एक बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना घर पर बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में यह बन के तैयार हो जाती है। हर एज ग्रुप के लोगों को ये पसंद आती है। आप इसको एक बार घर में बनाएंगे तो एक महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। अगर आप कुकिंग में बिगनर हैं या अभी आपने कुकिंग शुरू की है तो भी आप इसको इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, जिससे मेरे आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन की सेव बनानी है, जो बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है। एक चुटकी डालूंगी इसमें हल्दी, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। स्वाद अनुसार डालना है हमें नमक, और उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक बड़ा चम्मच तेल। और अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तेल बहुत ही अच्छे से बेसन में मिक्स करिए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम डो बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाला है पहले मैंने, क्योंकि इसमें पानी ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो फिर आपकी सेव सही नहीं बनेगी। तो इसमें मैंने मात्र 2 बड़े चम्मच पानी डाला है, जिससे मेरा डो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसको पहले मिक्स कर लेंगे। और अब हाथ से मैं इसको डो को गूंथ लूँगी। ना आपको ये डो को ज़्यादा टाइट रखना है और ना इसको बहुत ज़्यादा लूज़ करना है। तो बिल्कुल आपको डो की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, क्योंकि यही सबसे मेन स्टेप है इस सेव का। तो ये जो डो है वो मेरा बनके तैयार हो गया है। 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी मैं रेस्ट होने के लिए। जब तक डो हमारा रेस्ट हो रहा है, तब तक हम सेव वाली मशीन में ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी। ये जाली जो इसकी है पतली वाली, उसमें भी ऑयल लगा दूंगी। तेल मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। डो भी हमारा रेस्ट हो चुका है। और अब इसको सिर्फ इस मशीन के अंदर आप भर दीजिए। इस तरह से इसका ढक्कन लगा देंगे। और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम रहना चाहिए। और अब उसी के साथ साथ मैं एक बोल ले लूँगी, उसमें मैं टिश्यू पेपर रख दूँगी, जिससे जब हम सेव को निकालें फ्राई करके तो डायरेक्ट मैं इसमें डाल दूँ, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाए। तो दोस्तों, हमारी जो मैंने कढ़ाई ली है वो काफ़ी छोटे साइज़ के लिए है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने छोटे साइज़ की कढ़ाई क्यों ली है। तो फिलहाल जो सबसे छोटी अवेलेबल साइज़ थी मेरे पास, मैंने वो कढ़ाई ली है। और अब इस तरह से इसको घुमा के सेव को मैं इसमें डाल दूंगी। सिर्फ बहुत ज़्यादा आप एक बार में ना डालें, सिर्फ एक सर्कल ही एक बार में आपको डालना है कढ़ाई के अंदर। और इसको आप कुक करने दें। दोस्तों, ये जो सेव है बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो आपको उस बात का ध्यान देना है। पहली बात तो फ्लेम आपका ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ये देखिए इसमें बबल आने लग गए हैं, जैसे ही बबल आना बंद हो जाए तुरंत आप इसको पलट दीजिए। ऐसा करने में आपको सिर्फ कुछ सेकंड ही लगेंगे। और ये देखिए दूसरी साइड में बबल आ रहे हैं, वो भी कुछ सेकेंड में आना बंद हो जाएंगे। और तुरंत ही आपको इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, क्योंकि जो सेव है वो बहुत जल्दी लाल हो जाती है। तो बस 5 से 7 सेकंड के बाद ही इसको तुरंत आप निकाल लीजिए। आपको अभी सॉफ्ट लग रही होगी, लेकिन जब आप थोड़ी ठंडी करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसमें निकाल लिया है। और ये देखिए क्रिस्पी सी सेव बन के तैयार हो गई है। इसको हाथ से मैं तोड़ लूँगी इस तरह से। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ सेव बनानी है तो इसमें आप लाल मिर्च पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते, सिर्फ सेव भी इसी तरह बना सकते हैं। और अब चलते हैं आगे की चीज़ें फ्राई करने में। तेल मेरा गर्म है, अब इसमें रख दूंगी मैं ये छन्नी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने छोटी कढ़ाई क्यों ली, जिससे मेरी छन्नी जो है वो इसमें फिट हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप पोहा। और इसको बस डाल के तुरंत आपको निकाल लेना है। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता फ्राई करने में, तो इसीलिए आप जाली पर ही इसको फ्राई करिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। इसको निकालते निकालते ये जल जाएगा। जाली के ऊपर ही आप इसको डालिए और तुरंत निकाल लीजिए। वापस से हम उसी बोल में इसको डाल देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकलता रहे। अब मैं डालूंगी 1/4 कप मक्का चिवड़ा। मक्का चिवड़ा भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसी तरह इसको भी बस डालना है और निकालना है। और उसी बोल में मैं इसको डाल दूंगी। और अब मैं फ्राई करूंगी साबूदाने। साबूदाने मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, और इसको भी आप इसमें डाल दीजिए। इसको फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको इस तरह से फ्राई करते रहेंगे हम, जब तक ये पूरी तरह से फूल नहीं जाता।
साबूदाने को आपको भिगोने वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इसको तुरंत ही ऐसे ही फ्राई करिए और ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं और नमकीन में ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ भुने हुए चने की दाल। दोस्तों हम ये क्विक और इंस्टेंट नमकीन बना रहे हैं इसलिए मैं भुनी हुई दाल डाल रही हूँ। आपके मार्केट में ये बहुत ही आसानी से मिलती है, अगर आपके पास ये ना मिले तो आप चने की दाल को भिगो के भी इसमें फ्राई कर सकते हैं, ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और बस इसको भी बस डालना है और निकालना है कुछ सेकेंड्स में, इसको भी मैं बोल में डाल दूँगी। अब मैं ले रही हूँ एक दूसरी कढ़ाई, उसमें डालूँगी एक चम्मच तेल और मैं इसमें एक चौथाई कटोरी मूँगफली के दाने फ्राई कर लूँगी। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। आप अगर मूंगफली पसंद नहीं करते तो आप इसके जगह बादाम, काजू, मखाना या नारियल कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या इनमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है और आपकी चॉइस के ऊपर है। बहुत सारे लोग मूंगफली नहीं खाना पसंद करते तो उसकी जगह आप काजू या बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मूंगफली भी हमारी भुन के तैयार हो गई है, इसको भी हम अलग कर लेते हैं। अब हम तैयार करेंगे एक मसाला, जिसके लिए एक मिक्सी जार में मैं ले लूँगी एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लिया पुदीने का पाउडर, दो चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिसी हुई चीनी। चीनी इसमें डालना बहुत ज़रूरी है तो बस चीनी को मिक्स में पीस के पाउडर कर लीजिए। एक चौथाई चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और एक चौथाई चम्मच मैं इसमें डालूँगी साइट्रिक एसिड या नींबू का फूल जिसको बोलते हैं। इन सब चीज़ों को आप मिक्सी जार में एक बार ब्लेंड कर लीजिए जिससे ये हर चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा मसाला भी बनके तैयार हो गया है। अब सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर लेंगे जो हमने चीज़ें फ्राई करके रखी हैं, ये मूंगफली, साबूदाना, उसी के साथ इसमें डाल देंगे जो हमने मक्का चूड़ा और पोहा चूड़ा फ्राई करके रखा था वो। और अब इसमें ये मसाला डालिए, एक एक चम्मच के करके मसाला डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे जिससे जो मसाला है वो पूरी नमकीन में अच्छे से कोट हो जाए। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो झटपट बनने वाला नमकीन था वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। स्टोर कर लेंगे इसको एयर टाइट कंटेनर में और इसको आप एक महीने तक बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मसाले का टेस्ट भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम डालिए, या जैसा भी आपको टेस्ट पसंद है उस हिसाब से आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस नमकीन की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर ज़रूर शेयर करेगा। अगर रेसिपी बनाने में कोई भी दिक्कत आती है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी रेसिपी में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा रखिए दैट हैप्पीनेस इज़ होममेड।